हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीज वेलनेस वर्ल्ड में। और आज मैं आपके बीच में लेके आया हूं एम्बे का मास्क। तो बात करेंगे हम इसमें हमें क्या क्या मिलेगा और क्या स्पेशलिटी क्या है एम्बे के मास्क में। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं। जो नए लोग हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर पसंद आता है, और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह का एक डिब्बा आपको मिलेगा अगर आप ये मास्क लेते हैं। ये एम्बे ने खुद नहीं बनाया हुआ है, वाइल्ड क्राफ्ट कंपनी के साथ मिलकर बनाया हुआ है। तो इस डिब्बे के ऊपर तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, फिर भी हम जो खास खास बातें हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये एक मास्क मैंने निकाला हुआ है, ये देख सकते हैं। और इसके साथ क्या कि एक चीज़ और मिलती है, वहाँ लिखा हुआ फ्री W करके फ्लैक्सी फिट नेक स्ट्रैप इनसाइड। तो ये चीज़ है वो फ्री वाली। काफ़ी लोग इसको फेंक देते हैं, वो सोचते हैं पता नहीं क्या चीज़ है, किसके लिए दिया हुआ है। ये इस दिया हुआ कि अगर आप कान के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, क्योंकि पहला क्या है मास्क को पहनने का तरीका, ये सिंपल, अगर आप इसको ऐसे नहीं पहनना चाहते हैं तो ये स्ट्रिप है कि अगर आपको लगता फिट नहीं आ रहा, कान में प्रॉब्लम कर रहा, दर्द कर रहा, तो क्या आप कर सकते हैं इसको जस्ट आपने एक तरफ ऐसे होल्ड करके और वैसे ही दूसरी साइड करके आप अपने साइज़ के हिसाब से इसको पहन सकते हैं इस तरह से। तो अगर आपकी गर्दन छोटी है, ये हेड का साइज़ छोटा है, तो इसको आप नेक्स्ट वाले चैम्बर में यहाँ पर फिट कर सकते हैं, अपने जो साइज़ के हिसाब से आप फिट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसी डब्बे को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ कि जो पहली इनर वाली लेयर है, ये वाली हाइपा कूल इनर लेयर, जो कि क्या करेगी, आपको कूलिंग इफेक्ट देगी, मॉइस्चर कंट्रोल करेगी, अंदर आपको गीला गीला नहीं महसूस होगा, और एंटीबैक्टीरियल फिनिश है, कोई बैक्टीरिया को मतलब नहीं उसके बीच में बनने नहीं देगी। वो सेंटर की लेयर अगर हम टच करें तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई प्लास्टिक का पॉलीथीन डाला हुआ, लेकिन ये प्लास्टिक का पॉलीथीन नहीं है, ये है मल्टी लेयर्ड कार्ट्रिज है। ये किसके काम आएगी, ये आपको जो PM2.5 फिल्टर का काम करेगी, जो क्या बोलते हैं, जो हम बाहर जाते हैं तो काफ़ी गाड़ियों का धुआं भरा होता है ना, उससे आपको बचाएगी। ड्रॉपलेट प्रोटेक्शन है, बैक्टीरिया फिल्टर है, कोई भी बैक्टीरिया अंदर नहीं आ पाएगा। स्मॉल पार्टिकल फिल्टर, कोई भी छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण हैं उसके लिए। और जो बाहर की तीसरी लेयर है, इसका क्या नाम है, इंजीनियर्ड आउटर लेयर कोर्स पार्टिकल फिल्टर, ठीक है। जो मेन धूल मिट्टी जो भी होगी सबसे पहले यहीं से पास नहीं होगी, अंदर फिल्टर है। और ट्रिपल लेयर है, हम टच भी करें तो ट्रिपल लेयर है। और इस मास्क का नाम क्या रखा हुआ है, वाइल्ड क्राफ्ट सुपर मास्क W95, जो रीयूजेबल आउटडोर मास्क है, यानी कि आप इसको बार बार धोने के बाद यूज़ कर सकते हैं। ये जो मेन तीन काम क्या करेगा, यहाँ लिखा हुआ एंटी पोल्यूशन, जो भी आप बाहर जा रहे धुआं वगैरह उसको रोकेगा। एंटी डस्ट है, कोई भी मिट्टी वगैरह वो भी आपके अंदर डायरेक्ट नहीं जाएगी। वो तीसरा क्या है, एंटीबैक्टीरियल है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह छोटे कीटाणु होंगे वो डायरेक्ट आपके अंदर नहीं जा पाएंगे। अगर दूसरी साइड अगर मैं चेंज करूँ, बोले यूज़ केसेस, किसके लिए आप इस मास्क को यूज़ कर सकते हैं, आउटडोर वॉक है ना, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक में जा रहे हैं, अगर धूल मिट्टी पोल्यूशन वाला एरिया आप यूज़ कर सकते हैं, ट्रैवल वगैरह के लिए, बाइकिंग कर रहे हैं, अगर साइकिलिंग कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस में हैं, अगर आप जहाँ डिलीवरी पर्सन है, कोई पार्सल वगैरह देने का काम करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, जो जॉब में जाते हैं रोज़ बाहर जाना होता है घर के तो वो यूज़ कर सकते हैं, या स्कूल के लिए भी। और प्रिकॉशन भी दिए हुए हैं क्या नहीं करना है। पहले क्या बोल रहे हैं कि ये जब भी आपने पहनना है, इसको पहनने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लें, ठीक है। और दूसरा क्या लिखा हुआ, वॉश आफ्टर एवरीडे यूज़, क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हैं, अभी COVID-19 का भी समय है तो ऐसे भी हम सैनिटाइज़र तो यूज़ कर रहे हैं, फिर भी अगर आप बाहर से आते हैं तो कोई इन्फेक्शन का चांस ना रहे इस पे, जहाँ धूल मिट्टी जो भी जमी हुई है, तो हर बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस मास्क की खासियत क्या है, अगर आप बार बार धोते भी हैं, कम से कम 30 बार आप इसको धो सकते हैं। कंपनी बोलती है अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो 30 बार धो के, नॉर्मल धो के, ऐसा नहीं इसको पूरा क्रश करके, नॉर्मल इसको धो के आप यूज़ कर सकते हैं। और क्या करना है, इसको हमेशा आपको ड्राई प्लेस पे रखना वापस घर में आके, और सनलाइट से दूर,
इसका कुछ होगा अंदर का फिल्टर में, शायद सनलाइट से वो ख़राब हो सकते हैं, तो वहाँ नहीं रखना। फॉर इंडिविजुअल यूज़ है, ऐसा नहीं है कि पहले मैंने यूज़ किया फिर अपने भाई को दे दिया, बहन को दे दिया, बच्चों को दे दिया, और ये मैं यूज़ कर रहा हूँ ये खुद ही। वो तो कॉमन सेंस भी है, अगर एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो हमारी इन्फेक्शन भी एक दूसरे में जा सकती है। फिर चेंज द मास्क इफ़ देयर इज डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। चलो एक चीज़ और बड़ी अच्छी बताई हुई है कि अगर आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है इसको पहनने के बाद, तो इसको चेंज कर लें। और क्या लास्ट में बताया हुआ है उन्होंने कि जो जहाँ पे लिखा हुआ है ये आपने सब करना है, ऐसा नहीं है कि धोने में ध्यान नहीं रखें, जहाँ धूप में फेंक दिया, वो सब आपने फॉलो करना है। और धोने का भी पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, कोई सोप वगैरह यूज़ ना करना, और ना ही इसको प्रेस वगैरह करना है, ना ही कोई ड्राई क्लीन वगैरह करवाना है इसको। और अगर बात करूं उसको मैं पहनने की, क्योंकि अभी मुझे इस मास्क को यूज़ करते हुए महीना हो गया है, तो कि कंफर्टेबल है नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे N95 ऐसे मास्क आते हैं उसको पहनने के बाद हम सांस ही नहीं ले पा सकते हैं, तो फिर पहनेंगे कैसे। तो ये प्लास्टिक की लेयर मैंने जब स्टार्टिंग में पहली बार देखा तो लगा यार सांस कैसे लेंगे। तो पहले एक टेस्ट करते हैं कि ये बाकी एयर को पास होने भी देता है या ऐसा तो नहीं है कि साइड से हवा आती है। तो इसको लिए मैं क्या करूँगा, इसको ज़ोर से फूंक मारूँगा तो देखता हूँ कि हवा दूसरी साइड क्रॉस होती है या नहीं जा रही है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल हवा जा रही है, स्लो स्लो जा रही है, लेकिन जा रही है। और अगर मैं मास्क की बात करूं तो ये अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट है। और एक नुकसान बोल सकते हैं जहाँ कमी क्या है, वो लगभग ऑलमोस्ट सभी मास्क में मिलेगी आपको, ये वॉकिंग के लिए अच्छा है, बाइकिंग के लिए अच्छा, सिंपल चलने के लिए। लेकिन अगर आप बोलोगे इसको लगा के दौड़ेंगे आप, तो उसके लिए आपको सांस की प्रॉब्लम होगी, सांस नहीं ले पाओगे। बाकी ऐसे नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि आप सिंपल पहनेंगे तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी पहनता हूँ, आप देख सकते हो। तो ये मैंने पहना हुआ, आप आराम से बात भी कर सकते हो पहन के, ऐसा कुछ नहीं है, और सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है सांस लेने में। हाँ अगर आपने दौड़ना है तो जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है, उसके लिए सूटेबल नहीं है। आप बोलोगे मॉर्निंग वॉक करनी है तो ठीक है, लेकिन आप बोलोगे मुझे रनिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, तो आप इसको पहन के नहीं कर पाओगे, उसके लिए तो आपको इसको खोलना ही पड़ेगा। बाकी ऐसे डेली लाइफ के लिए बहुत बेस्ट मास्क है। और अगर मैं बात कहना चाहूँ, अगर 200 रुपये हमने खर्चे हुए हैं तो ये पूरा वैल्यू फॉर मनी है, अपने 200 रुपये पूरे करेगा। आपके फेफड़ों को धूल मिट्टी कणों से जहाँ बैक्टीरिया इन्फेक्शन से आपको ज़रूर बचाएगा। और यही नहीं, इनके साथ आपको कोई ऐसे कीटाणु है आपकी बॉडी में, सर्दी खांसी जुकाम है, तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो दूसरों को भी नहीं फैलेगा, मतलब कम से कम आप दूसरों को बचाएंगे ऐसे मास्क को यूज़ करके। तो अगर आप भी इस मास्क को ख़रीदना चाहते हैं तो आप सिंपल एमबे की वेबसाइट पर जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं, या किसी भी एमबे के स्टोर पिकअप सेंटर से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर आऊँगा आपके बीच में एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।